ये जो है क्लास 7 ए और बी मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। इंग्लिश मीडियम में ये सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और जो हिंदी मीडियम है उसमें पहला ही चैप्टर है कि भोजन और पोषण, जिस नाम से जिसमें से पहली हेडिंग जो है वो ये बताया गया है कि जो जीव है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं स्वपोषी, जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाशन की ऐसे बना लेते हैं। दूसरे होते हैं परपोषी, जैसे जानवर हो गए, ह्यूमन हो गए, ये सब ये अपना खाना दूसरों पे डिपेंड रहता है। लेकिन दूसरों पे डिपेंड है कि जो खाना बनाते हैं वो भी चार टाइप होते हैं। मतलब एनिमल्स की बात करेंगे फिर, तो एनिमल्स में अगर हम सबसे पहले देखें होलोजोइक न्यूट्रिशन या जंतु संतोषी हिंदी में होता है, तो दोनों लोग अपने नाम लिख सकते हैं जानकारी के लिए, चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लें कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल उसका ह्यूमन, इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल सा ये प्रोसेस होता है कि जो खाना होता है वो जटिल खाना लिया जाता है। मतलब जैसे कि इंसान का एग्जाम्पल याद रखें, डिफिनेशन अपने आप बन जाएगी। इंसान जो होते हैं खाना कैसे खाते हैं, बड़ा सा कॉर्ड लेते हैं, उसको पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं। केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं, लुगदी बनती मुंह में लार आता है, लुगदी बनती है, इसके अलावा पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उससे रिएक्शन होता है, तब जाके खाना हजम होता है। तो बहुत सारे फिजिकल सॉरी बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसके बाद ये काम होता है। तो ये जो प्रोसीजर से पोषण होता है वो होता है होलोजोइक या जंतु संतोषी। इसके बाद सेकेंड नंबर आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन या परजीवी। परजीवी क्या होता है, पैरासिटिक में होता है कि एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंड करता है, एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह से जैसे कि आगे एग्जांपल ले रहा था मॉस्किटो, हमारे में ये अब इनको समझते हैं कैसे। मॉस्किटो होता है मच्छर, मच्छर क्या करेगा, मच्छर जो होता है वो दूसरे जीव का खून पीता है, मतलब खुद भोजन बनाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है। अब यहाँ बहुत लोग कहेंगे कि मांसाहारी जो होते हैं वो भी यही करते हैं, लेकिन मांसाहारी जो होते हैं मांस खा लेते हैं सीधा, ये नहीं करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करते रहे। इसमें क्या है, ये हो गया वो दूसरे का न्यूट्रिशन चोरी करते हैं ये लोग। जैसे कि हमारे शरीर में खून है यानी हमारे अंदर ताकत जाता है, तो हमारे अंदर ताकत जाता है, दम जाता है, तो मच्छर क्या करेंगे थोड़ा सा खून पी लेंगे। अब खून पी लेंगे तो उनको भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, हमें भी न्यूट्रिशन मिल गया। अब इसके आगे अगर बात करें तो इसके आगे जो है अमर बेल का एग्जाम्पल वो भी यही होता है। अमर बेल में क्या होता है, बेल होती है वो किसी मजबूत सॉलिड पेड़ से चिपक कर गोल गोल घूमते घूमते उसमें लिपट जाती है और उसका न्यूट्रिशन चूसती रहती है, उसी के सारे खड़ी रहती है। तो ये भी जो होगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आ जाएगा। इसके अलावा आएगा सैक्रोजोइक न्यूट्रिशन या मृतकोशी। मृतकोशी में क्या होता है, जैसे मिलीपीडीज हो गए और भी बहुत सारे होते हैं जो कि मृतकोशी मतलब मरे हुए जीवों को जो खाएं उनके उस पर डिपेंड करें। जैसे चील गिद्ध सबको जानते ही हमको क्या होता है, जब मर जाते हैं उनका मांस खा करके ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आता है ये म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन सरजीवी। इसमें और पैरासिटिक इसमें इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या है, म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन इसमें भी दो जीव एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इस पर भी करते हैं, लेकिन इसमें होता है कि दो जीव आपस में मिलके या तो एक दूसरे को न्यूट्रिशन देंगे या एक जीव दूसरे को न्यूट्रिशन लेगा लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं पैरासिटिक में, इसमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे मच्छर हमें काटता है तो हमें बीमारी भी ले सकता है, हमारा सीधा खून भी लेता है, लेकिन इसमें क्या होता है नुकसान नहीं देगा। जैसे विमोरा फिश होती है, समुद्रों में पाई जाती है जहाँ गर्म थोड़ा पानी होता है निचली सतह पे, ये क्या करता है, जैसे शार्क आती है तो शार्क के बॉडी में चिपक करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेती है, लेकिन शार्क को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती है। मतलब म्यूचुअल रजामंदी टाइप का कि आपस में रजामंदी से बिना नुकसान पहुंचाए आराम से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मेन अंतर इन्हें याद रखना कि म्यूचुअलिस्टिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, इसमें नुकसान पहुंचाते हैं इसमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये हो गए चारों पार्ट्स। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में जैसे चार मोड बताते हैं न्यूट्रिशन की,
उसमें जो होलोजेनिक रीजन है, एक तरह से देखने तो इंसानों में या फिर जितने भी होते हैं कि थोड़ा सा हार्ड मटेरियल लेते हैं उनमें किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, इनमें थोड़ा सा मतलब कि प्रोसेस जो होता है क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस होता है इसमें से। जैसे पहला सबसे पहला काम होता है अंतर्ग्रहण करना, इग्निशन बोलते हैं। ये प्रोसेस में होता है कि ज़्यादातर जो होते हैं एक कोश की जो होते हैं उनमें होता है, इंग्लिश में बोलेंगे मोनोसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोनोसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया जिसमें एक कोशिका हो। सेल क्या होते हैं आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा, जैसे अमीबा होता है एक कोश की जीव, इसमें सिर्फ एक कोशिका ही होती है। पैरामीशियम एक कोश की होता है। तो जैसे अमीबा में बात करें तो उसमें यही प्रोसेस होता है। अमीबा में क्या होता है या पैरामीशियम उनमें होता है एक ऑर्गेन होगा वो सीधा एब्जॉर्व कर लेता है खाने को या उसका जो फूड है उसको अंदर लेने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिससे कि वो खाने को ले लेता है। कुछ इस तरह से फिगर में भी अंदर बता दे रहे हैं, जैसे ये अमीबा का पहली चीज है कि कोई शेप नहीं होता है, कोई भी शेप का हो सकता है। जैसे ये उसका फूड है तो क्या करेगा, मान लीजिए ये उसका ऑर्गन है जहाँ से वो भोजन को अंदर लेगा तो क्या करेगा, ये पूरा पूरा आगे कवर कर लेगा और यहाँ से सीधा सीधा वो अंदर चला जाएगा। ये उसका प्रोसेस होता है, ये इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे अभी क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक यही आएगा। इसके अलावा अपना डाइजेशन, अब खाना अंदर तो ले लिया है उसके अलावा उसको हजम करना, पाचन करना, तो ये होता है कि उसे एनर्जी निकालना। जैसे आमाशय में जाके भोजन का पाचन हो जाता है, तो पाचन हुआ उसके बाद होता है अवशोषण। अवशोषण अवशोषण का मतलब हुआ कि हजम खाना हो उसे एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी को हमें लेना तो पड़ेगा क्योंकि जब तक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई। एसिमिलेशन हो गया, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में हो जाएगा कि इसका यूज करके वो ग्रोथ कर लेगा और जो चीज नहीं है उसमें हटा देगा। उसके बाद होता है इग्निशन, वाई शेपर। जितना भी वेस्टेज है, वेस्टेज मतलब जो चीज हजम नहीं हुई है, खाना बहुत चीज लेते हैं जो चीज खाना हजम नहीं हुआ है, जिससे एनर्जी नहीं मिलने वाली है या जिसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हमारी बॉडी, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये जो होता है इग्निशन का काम होता है, वाई शेपर। तो ये पांच स्टेप होते हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। हेडिंग अलग अलग मिल जाएगी, अलग अलग टाइप से बताएंगे लेकिन अंदर जो है वो टॉपिक सेम है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अपनी कॉपी में बना लें और बुक खरीदें। बुक से स्टडी जरूर करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम समझाते जा रहे हैं, जो समझना है पूछते जाएं, बाकी बुक से जरूर स्टडी करते जाएं क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे जो मिलेंगे कॉम्पिटिशन में काम आते हैं। बाकी इसको नोट्स बनाइए और जो ना है उसमें पूछिए। थैंक यू।